हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल वीज़ा कन्वेंशन पर। मैं हूँ इस वक्त मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में और कुआलालंपुर के पासार सैनी प्लेटफॉर्म ए पे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है फ्री बस सर्विस। जैसे कि आपने जो थंबनेल है और उसका टाइटल है वो देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आप मलेशिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं, लोकल अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, मेट्रो और बाय बस कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोकल फ्री बस सर्विस भी ले सकते हैं मलेशिया में। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको कोई भी टिकट या फिर कोई भी कार्ड आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, ना ही आपको कुछ पे करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी मलेशिया आने वाले हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कई टाइप की बसेज हैं, अलग अलग कंपनी की बसेज हैं। तो जो फ्री बस सर्विस है वो है गो केएल। तो मैं अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म ए पे बैठी हूँ। यहाँ पे जो बस स्टेशन है उसको भी प्लेटफॉर्म ही बोलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ का जो लोकल प्लेटफॉर्म है, बस कैसी है और लोकल प्लेटफॉर्म है वो कैसा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये पासार सैनी का जो लोकल प्लेटफॉर्म ए है, जहाँ से ये आप फ्री बस सर्विस ले सकते हैं। ये वो बस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, गो के एल। थोड़ा सा पास में मैं आपको जाके दिखाती हूँ, गो के एल बस लिखा हुआ है। और इसके अलावा आगे से भी दिखाती हूँ मैं बस आपको थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं गो के एल और ऊपर लिखा हुआ रहा पवीलियन, यानी कि ये जो फ्री बस सर्विस है ये पवीलियन जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पल लाइन। तो ये अभी इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ, बट आप एक बार देख लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि जो फ्री बस सर्विस है ये गो के एल जो बस है ये पूरे कुआलालंपुर में फ्री है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बट ये बस यहाँ पे काफ़ी लाइंस हैं कि जैसे पर्पल लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन। जैसे कि दिल्ली में मेट्रो की हमारे अलग अलग लाइंस हैं कि अगर आपने किसी एक रूट पे जाना है तो रेड लाइन है, अगर किसी अलग रूट पे जाना है तो ग्रीन लाइन ले सकते हैं, ब्लू लाइन ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के लिए आपको अलग अलग लाइन चूज़ करनी पड़ेगी। तो जो अभी मैंने आपको ये दिखाया, आगे पर्पल लाइन लिखा हुआ था बस के, तो ये भी एक पर्टिकुलर रूट के लिए जो एक लाइन है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि फ्री बस सर्विस रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और पर्पल कलर की है, बट जो बस है वो सारी की सारी ग्रीन कलर में है। आपको पता कैसे चलेगा, आपको वो जो आगे स्लिप लगी हुई है पर्पल लाइन, वहाँ से आपको पता चलेगा। और या फिर आपको प्लेटफॉर्म से पता चलेगा कि आप कौन से पर्पल प्लेटफॉर्म पे हो या फिर रेड लाइन प्लेटफॉर्म पे हो। और अगर आपको प्लेटफॉर्म से नहीं पता लग रहा तो आप बस के आगे ये स्लिप देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको दिखाया कि ये पर्पल लाइन बस थी, और अगर मेरे को पर्पल लाइन रूट पे जाना है तो मैं पहले रूट चेक करूंगी और फिर मैं पर्पल लाइन की यहाँ से बस लूंगी। और इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से पासार सैनी से जाना है बुकिट बिनतांग, तो मैंने रूट चेक कर लिया कि यहाँ से पर्पल लाइन जाती है, तो मैं पर्पल लाइन की बस में बैठूंगी और बुकिट बिनतांग में उतर जाऊंगी। यहाँ पे एक एरिया है उसका नाम है जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इसी तरह अगर मेरे को केएल सेंट्रल जाना है तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि ये पर्पल लाइन बस ही वहाँ पे जाएगी, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन से लाइन की बस जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे रेड लाइन बस जाती है तो मुझे फिर जो रेड लाइन प्लेटफॉर्म है बसेस का वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ से केएल सेंट्रल की बस लेनी पड़ेगी। बसेस का जो कलर है वो सभी ग्रीन कलर की है, चाहे वो रेड कलर रेड लाइन है, चाहे वो पर्पल लाइन है, चाहे वो ग्रीन है, ब्लू है। बट आपने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। तो जो लाइन है वो आपने बस के आगे लिखा होगा या फिर आपको प्लेटफॉर्म से पता चल जाएगा कि ये फिर ये पर्पल लाइन प्लेटफॉर्म है या फिर ग्रीन लाइन है या फिर रेड लाइन है।
ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगी कि कौन सी जो लाइन है उसका प्लेटफॉर्म कैसा है, कैसे पता चलेगा आपको, और इसके अलावा इनका रूट कौन कौन सा है। तो इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो बसेज हैं जहाँ से ये शुरू होंगी वहीं पे ये आके स्टॉप होंगी। फॉर एग्जांपल कि पर्पल लाइन बस का जो रूट है वो पासार सैनी से स्टार्ट होता है और ये घूम के वापिस से जो इसका लास्ट स्टॉप होगा वो पासार सैनी ही होगा। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने जाना है पासार सैनी से बुकिट बिनतांग, आप पासार सैनी से बुकिट बिनतांग होते तो आपका जो भी होटल है या हॉस्टल है या फिर आपने जहाँ पे भी रूम पे स्टे करा है वो पासार सैनी में है। तो अगर आपने वापस आना है घूम के तो आप पासार सैनी से आप बुकिट बिनतांग उतर गए तो आप बुकिट बिनतांग से आपको कोई और जो बस है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वहाँ से पर्पल लाइन प्लेटफॉर्म से पर्पल लाइन की जो बस है वो लेंगे और आप फिर से पासार सैनी आ जाएंगे। तो इस तरह आप बस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप केएल सेंट्रल गए हैं रेड लाइन से तो केएल सेंट्रल से भी आपको रेड लाइन की ही बस मिलेगी अगर आप फिर से पासार सैनी वापस आना चाहते हैं तो। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि बस ने आपने देखना है कि बस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसका फर्स्ट स्टेशन कौन सा है, तो बस लास्ट स्टेशन भी उसका वही होगा, घूम के वो बस वहीं पे आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सी बस लेनी है। आपने जस्ट मैप देखना है और मैप में जो लाइन के अकॉर्डिंग रूट देखना है। इसके अलावा आप यहाँ के जो लोकल पर्सनस हैं उनसे भी पूछ सकते हैं अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो। बाकी यहाँ का जो ये बस सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, बसेस बहुत ही अच्छी है बनी हुई है अंदर से, एयर कंडीशन बसें हैं और कंफर्टेबल सीट्स हैं। और इसमें मेन तो खास बात यही है कि आपका कोई भी इसमें टिकट का जो प्राइस है वो नहीं लगता, आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि जो रेड लाइन का रूट है वो कौन सा है, पर्पल लाइन का रूट कौन सा है, रूट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बस लेनी है। तो गो केएल के अलावा कोई बस लेते हैं, फॉर एग्जांपल रैपिड केएल लिखा हुआ है या फिर कोई और कंपनी की बस लेते हैं तो आपको वहां पे टिकट लेनी पड़ेगी या फिर आपको कार्ड से पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको कार्ड यूज़ करना तो गो एंड टच कार्ड आप यहाँ पे बसेज में यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप टिकट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर लोकल ट्रैवल करना चाहते हैं तो बस से आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और कौन सी बस से आपने ट्रैवल करना है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक वीडियो पहुँचे जो कि मलेशिया आने का प्लान कर रहे हैं या फिर मलेशिया ऑलरेडी में है और उन पर्सन्स की ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।